नमस्कार, मैं अंकिता पवार। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। इतवार के दिन भी रहा लॉकडाउन, फल के बहाने गांजा बेचने वाले दो लोग गिरफ्तार। बेलगाम शहर में 3 स्थानों पर नए सब्जी बाजार। मयूर शेलके की बहादुरी का पूरा देश कायल। इमरान खान ने भारत के प्रति सहानुभूति जताई। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनू रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। प्रशासन ने की हुई सूचना के अनुसार इतवार के दिन भी शहर में लॉकडाउन का पालन किया गया। शहर में हर जगह पर पुलिस तैनात की गई थी, इसलिए सारे व्यवहार बंद थे। पूरे दिन में शहर बंद होने के कारण सारा शहर जैसे निशब्द हो गया था। सुबह के वक्त में मार्केट में चहल पहल नजर आई। अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नागरिक मार्केट में आए हुए थे। शहर के मध्यवर्ती भाग में कुछ देर तक चहल पहल दिखाई दे रही थी। प्रशासन ने दिए हुए सुबह के वक्त का इस्तेमाल नागरिकों ने किया। इतवार होने के बावजूद रास्ते सुने सुने नजर आए। बेलगाम शहर की गली गली में सन्नाटा छाया हुआ था। प्रशासन के वीकेंड लॉकडाउन के आदेश के कारण अब कुछ दिन यह स्थिति अब हर शनिवार इतवार नजर आएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। फल के बहाने गांजा बेचने वाले दो लोग गिरफ्तार। फल बेचने के बहाने गांजा बेचने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नियाज शफी अहमद नायकवाड़ी उम्र 38 अशोकनगर निवासी, निकब उर्फ निका दस्तरगी साहब पीरजादे उम्र 43 अशोकनगर निवासी है। शानूर महबूब सेन न्यू गांधीनगर निवासी फरार हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने नेहरू नगर के सेकंड क्रॉस में किराए के घर में गांजा बेचने वाले दो लोगों को पकड़ा है। यह घटना शनिवार दोपहर को हुई और उनके पास से 1 किलो 800 ग्राम गांजा जब्त किया गया। दोनों के खिलाफ एपीएमसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। बेलगाम शहर में 3 स्थानों पर नए सब्जी बाजार। बेलगाम शहर में 3 स्थानों पर सब्जी बाजार और बाजारों को भरने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए तीनों स्थानों को निश्चित किया गया है। वह बाजार निर्माण का काम शुरू किया गया है। सीपेड ग्राउंड में 2 एकड़ खुली जगह, ऑटोनगर में आरटीओ ग्राउंड और कंगराड़ी खुर्द मेन रोड पर सब्जी बाजार और बाजार भरे जाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार के आदेश अनुसार यह कार्रवाई की गई है। इन 3 स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम ने 3 टीमों का गठन किया है। हर दस्ते में 7 सदस्य है। हर टीम एक सब्जी बाजार के लिए जिम्मेदार होगी। शनिवार और इतवार को वीकेंड लॉकडाउन के कारण सोमवार से इन तीनों जगह के मार्केट शुरू हो जाएंगे। मयूर शेलके की बहादुरी का पूरा देश कायल। सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन में काम करने वाले मयूर शेलके की बहादुरी का इन दिनों पूरा देश कायल हो गया है। एक अंधी माँ के बच्चे को ट्रेन से बचाने वाला उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच यह वीडियो लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल है, जहां मयूर शेलके ने अपनी परवाह किए बगैर एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनके इसी बहादुरी भरे कारनामे का अब महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और जावा मोटरसाइकिल्स के डायरेक्टर अनुपम थरेजा भी फैन हो गए हैं। क्लासिक लीजेंड्स के हेड अनुपम थरेजा ने ऐलान किया कि वो शेलके को नई जावा मोटरसाइकिल पेश करेंगे। इमरान खान ने भारत के प्रति सहानुभूति जताई।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को कोविड 19 महामारी की जानलेवा लहर से जूझ रहे भारत के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा, मानवता के सामने आई इस वैश्विक चुनौती का हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। खान ने एक ट्वीट में कहा, हमारे पड़ोसी देश और दुनिया में महामारी से पीड़ित सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हमारी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचे। उन्होंने ट्विटर पर कहा, मैं भारत के लोगों के साथ हमारी एकजुटता व्यक्त करना चाहता हूं, जो कोविड 19 के खिलाफ खतरनाक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें मानवता के सामने आई इस वैश्विक चुनौती का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनू रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। देश भर में बढ़ते कोरोना मामले के बीच दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों में शुक्रवार को एक बैठक की, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया कि किसानों के मोर्चा पर सैनिटाइजर और साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। किसानों को मास्क बांटे जाएंगे। मोर्चा के अनुसार प्रशासन ने धरने के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, वहां किसान जाकर वैक्सीन लगा सकते हैं। लक्षण दिखने पर जांच करवाई जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से कहा गया कि धरना स्थलों पर किसान पहले ही दूर दूर खुले में रह रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा कृषि कानूनों के खिलाफ होने के साथ साथ कोरोना के खिलाफ भी लड़ रहा है। दिन भर में कोरोना के 3.5 लाख मरीज। देश में कोरोना की प्रचंड लहर से हाहाकार मचा हुआ है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3.5 लाख नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 2768 मरीजों की मृत्यु हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। इस समय अवधि में 2,17,113 मरीज कोरोना बीमारी को मात देने में भी सफल रहे हैं। मंत्रालय द्वारा नए आंकड़े जारी किए जाने के बाद अब देश में पिछले साल के अब तक सामने आए कोरोना मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,69,60,172 हो गई है। कुल मामलों में से 1,40,85,110 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,92,311 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 26,82,791 हो गई है। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत बढ़ेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शनिवार को प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के लिए दाम तय कर दिए हैं। अगले कुछ दिनों तक निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत काफी कम है। देश में कोविड 19 की सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह बात जारी की। शनिवार को कोविशील्ड वैक्सीन का मूल्य शुरुआती कीमत के मुकाबले डेढ़ गुना तय कर दिया गया। इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि शुरुआती कीमत अग्रिम वित्त पोषण पर आधारित थी, अब उसे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए और अधिक निवेश करने की जरूरत है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी। 100 करोड़ की वसूली के मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। इसी के साथ ही सीबीआई आज मुंबई में कई ठिकाने पर छापे की कार्रवाई भी कर रही है। वर्ली स्थित अनिल देशमुख के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। वहीं सूत्रों के मुताबिक नागपुर में भी सीबीआई की टीम
छापे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वाजे के जरिए मुंबई में 100 करोड़ की वसूली करवाने का आरोप लगाया था। भारत अमेरिका में ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि वह जलवायु एवं ऊर्जा उद्देश्यों की प्राप्ति को भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ बनाना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने को लेकर आशान्वित है। बाइडन की टिप्पणी दोनों देशों द्वारा भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद आई। भारत और अमेरिका ने पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बात की है। मौजूदा दशक में संबंधित क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोगों को गहरा करने के लिए इस भागीदारी की घोषणा की है। भागीदारी में जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सन 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करना है। इसी के लिए 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करना शामिल है। जस्टिस एनवी रमना बने देश के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस एनवी रमना ने आज देश के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस रमना को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। बता दें कि चीफ जस्टिस बोबड़े जी के कल 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके बाद जस्टिस एनवी रमना सुप्रीम कोर्ट के 48 चीफ जस्टिस बने हैं। एनवी रमना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक का होगा, यानी वो 2 साल से भी कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। बता दें कि रमना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले ऐसे जज होंगे जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।